अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। सौराष्ट्र में पानी की कमी की समस्या के समाधान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के पहले चरण की करेंगे शुरुआत। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से हो रही इस पहल से सौराष्ट्र के सभी 7 जिलों की 115 बांधों में मुहैया हो सकेगा भरपूर पानी। भारत अमेरिका के बीच एक दूसरे के सैन्य हवाई और नौसैनिक अड्डों के विमानों और पोतों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल पर समझौता, रक्षा मंत्री ने किया समझौते का स्वागत। भारत और अमेरिका के सामरिक और व्यापारिक संबंधों को अगले पायदान पर ले जाने के लिए दूसरी रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता आज से नई दिल्ली में। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 सितंबर को करेगा कश्मीर का दौरा। पुलवामा और श्रीनगर के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरी घाटी से हटा कर्फ्यू, प्रधानमंत्री की शांति की अपील के बाद उठाया गया है ये महत्वपूर्ण कदम। पायलटगन पर गठित 7 सदस्यीय समिति ने सौंपी रिपोर्ट, समिति पायलटगन के स्थान पर अन्य विकल्पों को खोजने के लिए बनाई गई थी। भारत और म्यांमार के बीच पारंपरिक औषध, स्वास्थ्य, पुल निर्माण, सुरक्षा जैसे 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश एकजुट। महाराष्ट्र विधानमंडल में दोनों सदनों ने संसद द्वारा पारित वस्तु और सेवा कर यानी GST संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। भारतीय रेलकर्मी अपनी सेहत का ख्याल आयुष सेंटर्स में रख सकेंगे, नई दिल्ली में सोमवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सेंट्रल रेलवे अस्पताल में आयुष सेंटर का शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव के मुताबिक पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगाली में बांग्ला, इंग्लिश में बंगाल और हिंदी में बंगाल होगा। पठानकोट पर हमले को लेकर अमेरिका ने भारत को नए सबूत सौंपे। अमेरिका ने NIA को बताया कि हमले के मास्टरमाइंड जैश मोहम्मद के आतंकवादियों के फेसबुक अकाउंट का IP एड्रेस की लोकेशन पाकिस्तान में मिली है। 2016-17 में विकास दर बीते साल के मुकाबले हो सकती है बेहतर, RBI ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बेहतर मॉनसून और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की बदौलत अर्थव्यवस्था में मांग की बढ़ोतरी की जताई उम्मीद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने PV सिंधु, साक्षी मलिक, जीतू राय और दीपा कर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और दूसरे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी बांटे गए। 2012 लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान एकेश्वर दत्त का पदक अब रजत पदक में होगा अपग्रेड। लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले रूस के बेसिक कुलबो का 2 टेस्ट पॉजिटिव निकलने के चलते होगा ये बदलाव। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो TV से। तब तक के लिए नमस्कार।